डी फॉर यू की तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं कि सीटीसी मिल्क टी, जो हम बोलते हैं जिसे मिल्क टी बोलते हैं, उसे आप ब्लेंड कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आए तो, और लाइक करना जरूर बताना कि वीडियो कैसा हुआ है। और आप सभी से एक निवेदन है कि कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर ना दें। हमारा ऑफिशियल नंबर आपको दिया हुआ है, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, आप हमें वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सीधा हमें वहां से कांटेक्ट करें और वीडियो को चलिए स्टार्ट कर दें ताकि आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता रहूं। तो ये हम ब्लेंडिंग अपना यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले टेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और हम जितने भी चाय ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि PD1, PD, OF, OF, DG, BP, BOPSM, BOPSM, अभी हम डस्ट का 2.5 ग्राम ले रहे हैं। तो आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लेंडिंग में और टेस्टिंग के टाइम में भी आपको ये सब जरूरत पड़ने वाला है। तो कई बार ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, पर आपको वो चीज़ खुद मिलाना पड़ेगा। एक बार आप वहाँ पे लेके चेक कर लीजिएगा, माप लीजिएगा अच्छे से, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो तो एकदम बराबर हमें चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए। और ये हमने डाल दिया एक कप में। और अब हम लेने वाले दूसरी चाय OF, PD, सारी चाय का हम धीरे धीरे करके सभी में डाल देंगे। तो देखा कैसे आपने, हमने सभी में ये सब चीज़ डाल दिया है। तो आपको भी यही चीज़ फॉलो करना है और याद रखिएगा कि 2.5 ग्राम से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपको ये चीज़। और ये जितनी भी चाय आप देख रही है, सारे सिंगल दाने, सिंगल ओरिजिन और नॉन ब्लेंडेड हैं। तो अब हम इन्हें करेंगे टेस्ट और उसके बाद में करेंगे इनका ब्लेंडिंग। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। क्या आप भी टी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारी कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सभी में 2.5 ग्राम का ही दिया है। सब में समानता होनी चाहिए, ना किसी में ज़्यादा ना किसी में कम, ताकि सब में इक्वलिटी बराबर की हो। और हम सेम टेम्परेचर का पानी सभी में डालेंगे और उनको सेम टाइम तक ब्रीथ करेंगे। तो जैसा कि आपको लग रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है ये, बट नहीं यार, ये वीडियो जब आप देख रहे हो, हमें पता है कि हमें कितना टाइम लग रहा है इस वीडियो को बनाने में, और आपको लाइक करने में एक मिनट भी नहीं लगने वाला है। यार लाइक करो, तुम इतना सोच रहे हो, और कमेंट करके बता दो कि कौन सा दाना तुमको पसंद आया। और एंड ऑफ द टाइम वीडियो में आप देखोगे कि कौन सा कलर सबसे बेस्ट आ रहा है ब्लेंडिंग के बाद में, तो आप भी सीख जाओगे और समझ जाओगे कि ब्लेंडिंग कैसे करना है। एक प्रॉपर चाय जो घर के लिए बनता है, वो आपके घर तक बनने में कितना टाइम लगता है और क्या क्या प्रोसेस है, आपको वो सब पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो ब्लेंडिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि ब्लेंडिंग के दो कैटेगरीज होते हैं, सिंगल ग्रेड ब्लेंडिंग, मल्टी ग्रेड ब्लेंडिंग। अगर आप सोचेंगे सिंगल ग्रेड ब्लेंडिंग क्या है, तो मैं बता दूँ कि जैसे कई बार कई कस्टमर, कई क्लाइंट बोलते हैं कि उन्हें सिंगल दाना ही ब्लेंडिंग चाहिए। तो जैसे कि अगर सिंगल दाना ब्लेंडिंग बोलते हैं तो BP हो गया आपका, BP के एक गार्डन का BP और दूसरे गार्डन का BP को ब्लेंड करेंगे तो वो सिंगल ग्रेड ब्लेंडिंग में ही आता है। जैसे OF टू OF ब्लेंडिंग कर दिए, BP टू BP ब्लेंडिंग कर दिए, BOP टू BOP ब्लेंडिंग कर दिए, ये सभी आ जाते हैं सिंगल ग्रेड ब्लेंडिंग में। ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि जैसे कि आपको क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, उस हिसाब से हम लोग इसको ब्लेंड करते हैं। अगर बात करें मल्टी ग्रेड ब्लेंडिंग की, तो मल्टी ग्रेड ब्लेंडिंग में आपका BP ले लिए, थोड़ा सा OF डस्ट अगर ये सब मिक्स करते हैं तो इनको हम बोलते हैं मल्टी ग्रेड ब्लेंडिंग। यहाँ पे आपका चाय का कलर भी अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है और प्राइस भी थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सभी कप में पानी डाले, गर्म पानी 100°C में ये पानी गर्म हुआ है, सिंगल बॉयल वाटर है, और 120 ml करके हम सभी कप में डाल रहे हैं और उन्हें ढकते जा रहे हैं। और ढकने के बाद इनको हम 5 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे क्योंकि अच्छे से ब्रीदिंग हो और हम इनके इन्फ्यूज़न को अच्छे से टेस्ट कर पाए, बोल के हम लोग इन्हें 5 मिनट के लिए एकदम बंद करके भूल जाना है, छोड़ देंगे।
तो जैसे कि सभी में पानी डाल दिया हमने और इसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि हम इनको चेक कर रहा है कि इनका इन्फ्यूजन कैसा आ रहा है, नेचर कैसा आ रहा है, और उसके बाद में हम ब्लेंडिंग वाले पार्ट में जाएंगे। तो ये चीज़, ये हुआ आपका स्टैंडर्ड मेथड जो आप कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो और आप हमारी यूट्यूब वीडियोस को देख के और भी अच्छे से सीख सकते हो। जैसे कि सभी को हमने ढक दिया है और हम यहाँ पे 5 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद में हम लीकर चेक करेंगे, लीकर कैसा है, इन्फ्यूजन कैसा आ रहा है, ये सब चेक करने के बाद में हम ब्लेंडिंग की तरफ जाएंगे। और टाइम आपको हमेशा याद रखना है 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा मत करिएगा वरना थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, कड़वापन आ सकता है चाय में। तो अगर कोई लीकर अच्छा भी है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कड़वा सा लगेगा। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है और हम चाय का ब्रीदिंग कर रहे हैं, मतलब कि चाय छान रहे हैं हम। और चाय छानने के लिए आप देखते हैं किस टेक्निक का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ईजी है। आपको बस कप को ऊपर की तरफ से प्रेस करना है और बाउल की तरफ नीचे धीरे धीरे गिराते चले जाना है। तो धीरे धीरे आप जब ये करोगे तो ये आपका एकदम आराम से छना जाएगा। और अगर आप लोगों को ग्रेड पहचानी, मतलब दाना पहचानने में अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हमने अपने चैनल पे एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टेड है गार्डन और फैक्ट्री विजिट करने में तो आप हमारा एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख सकते हैं, जिसमें हमने दिखाया है कि CTC चाय कैसे बनता है फैक्ट्री में, उसका वीडियो भी हमने डाल के रखा है। दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो वहाँ से। और आप देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे हमने सभी कप्स को ऐसे उल्टा कर दिया है और उसके बाद हम चेक करेंगे इसका लीकर और इन्फ्यूज़न कैसा है, ठीक है। तो बस वीडियो में बने रहना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करना और फैमिली मेम्बर के साथ जुड़ जाना। और कॉन्टैक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट नंबर ना दें प्लीज़। और जैसे कि आप देख सकते हो हमने सबको छाना है, आप सबका कलर कितना डिफरेंट है, यहाँ पे कोई लाइट आया है तो कोई डार्क आया है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड कलर जो होता है हम वो सेलेक्ट करेंगे और फिर उस चाय को किसी और दाने के साथ ब्लेंडिंग में लगा देंगे और उन दोनों को हम ब्लेंड करेंगे और फिर एक अच्छा सा कलर निकालेंगे वहाँ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम हर एक चाय में 1 टीस्पून मिल्क ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 1 टीस्पून मतलब आपका 5 ml दूध होता है जो कि हम चाय में ऐड कर रहे हैं, जिसके बाद हम करेंगे इसका लीकर टेस्ट कि चाय का कलर कितना अच्छा आ रहा है, कौन से ग्रेड में कलर कितना बेटर आ रहा है और गाढ़ापन कितना आ रहा है, हम ये सब चेक करेंगे इस मिल्क को ऐड करने के बाद में। तो आप लोग देखते रहिए और समझिए कि ध्यान से इस वीडियो देखिए, कलर देखिए किस तरीके से मिल्क उसमें मिल रहा है। इसके बाद में हम चेक करेंगे कि चाय में, किस चाय में गाढ़ापन कितना है और चाय कितना पतला है। तो दूध भी आपको कोई ऑर्डिनरी दूध यूज़ नहीं करना है, आपको दूध भी सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ना दूध ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। और टेस्टिंग के लिए जो पानी यूज़ करना है आपको, वो पानी यूज़ करना है मिनरल वाटर, ताकि आपको सब कुछ परफेक्टली पता चले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे स्पून से जो हम मिक्स कर रहे हैं तो सारे चाय का कलर कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है, आप देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। और ये जो तीसरे वाले को हम कर रहे हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा आपको। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि चाय का स्टैंडर्ड कलर जो है, गाढ़ापन किस में अच्छा आ रहा है। अब हम करने वाले हैं इसको मतलब मिक्स, तो आप देख सकते हो इसका कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क हो चुका है पहले वाले के मुकाबले। और ये वाले तो इसी, आप देखो तो ये चाय को लगी नहीं, जितनी कॉफ़ी कॉफ़ी फीलिंग आ जाएगी आपको, देख कितना डार्क हुआ है। और ये वाले भी काफ़ी ठीक है बट बहुत ज़्यादा डार्क है। तो ये सब करने के बाद हम ब्लेंडिंग के प्रोसेस पे जाएंगे, तो कि ताकि आपको सबको पता चले कि ब्लेंड कैसे करना है और कौन सा ग्रेड मिलाना है, कितना मिलाना है, कितना परसेंट कौन सा ग्रेड लगता है, उसके बाद में एक परफेक्ट चाय जो घर तक पहुँचती है वो चाय बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए पतलापन और गाढ़ापन सब पता चल जाएगा, यहाँ पे कलर भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे कलर भी आपको निकालना है। एक चाय का जो स्टैंडर्ड कलर होता है उस चाय का कलर हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कितने सारे कलर हैं, सभी अलग के अलग दिख रहे हैं, कोई लाइट है, कोई डीप है, कोई बहुत ज़्यादा ही डीप है, तो कोई एकदम स्टैंडर्ड कलर में भी है। तो जैसे कि आप ये देख लीजिए ये कैसा डार्क पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ठीक इसके बगल में जो चाय है इनका कलर देखिए एकदम स्टैंडर्ड कलर जो चाय का होता है वही होता है। तो अब ये चीज़ हो चुका है कंप्लीट, आप यहाँ तक समझ चुके हैं कि टेस्टिंग कैसे करना है, लीकर कैसे निकालना है। और इसके बाद जो हम लोग वीडियो में बताने वाले हैं वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को बने रहिए।
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो टी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाय का कलर जो ज़्यादा डार्क हो चुका है उनको हम ब्लेंड नहीं करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं इसको इन्फ्यूज़न बोलते हैं, ये हमेशा आप चेक करिए, ये थोड़ा सा पफी होना चाहिए, मतलब जब आप इसे दबाए तो ये स्पॉन्ज की तरह ऊपर उठना चाहिए, तो चाय बढ़िया है, ठीक है। अब और जो कलर है आप कलर देख सकते हैं यहाँ पे, जो गोल्डन कलर जो आ रहा है चाय का, जैसे कि आप सेकेंड वाला देख सकते हैं हमारा जो कलर है गोल्डन कलर जो आ रहा है, हम उनको यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पे करेंगे 50 ग्राम यूज़ करेंगे ब्लेंडिंग करने के लिए, ताकि जो भी हमारा कप है उसका जो कलर है, जो उसका स्वाद है, वो सब बराबर रहे। और तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे जो डस्ट है 50 ग्राम के ब्लेंडिंग में हमने डस्ट 10% यूज़ किया है, PD 5% यूज़ किया है, और फिर से हमने PD यूज़ किया है दूसरे गार्डन का, वो भी 5% यूज़ किया है। जो हमने OF यूज़ किया है वो 10% यूज़ किया है, और BP जो है वो 20% यूज़ किया है, और फिर से हमने BP यूज़ किया है जो वो है दूसरे गार्डन का, मतलब अलग डिफरेंट गार्डन का है, वो भी 30% यूज़ किया है, और जो BOP SM है हमारे पास वो 20% यूज़ किया है हमने। तो इन सबको मिला के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे। और आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसको मिक्स करना कैसे, हमको इसको अच्छे से मिलाना है, एक दाना जो है वो दूसरे दाना के ऊपर जाना चाहिए, तो ये एक परफेक्ट ब्लेंड तैयार होगा। और यहाँ पे फिर से हम इसे कप में डालेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे, ताकि इसका जो इन्फ्यूज़न है वो देख सकेंगे। और 5 मिनट बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 मिनट हो चुका है, उसके बाद हमने इसे फिर से ब्रीफ किया, अलग से निकाला और कप के ऊपर छोड़ दिया है, ताकि जितने भी इन्फ्यूज़न से सभी कप में रह जाए और जो चाय है हमारा वो कटोरे में आ जाए। तो ये है एक सिंपल सा प्रोसेस, हम इसे निकालेंगे, इसका लीकर टेस्टिंग करेंगे, फिर आप देखेंगे कि इस चाय का जो कलर है वो बाकी से कितना स्टैंडर्ड कलर आता है, जो गोल्डन पन चाहिए चाय में वो चाय में रह जाएगा, चाय का एक लेवल जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा इस चाय में। ये था एक पूरा स्टेप कि आप कैसे टी टेस्टिंग करके ब्लेंडिंग तक जा सकते हैं, और तब आपको पता चलेगा कि ब्लेंडिंग के पीछे कितना लंबा प्रोसेस होता है, जो आप एक घर पे चाय पी रहे हैं उसके पीछे क्या क्या काम किया जाता है, ये सारा चीज़ आपको अब समझ में आ रहा होगा। आपको तो बस लगता होगा डाला खत्म। तो यहाँ पे हम दूध डाल देते हैं अब, और दूध डालने के बाद उसे मिक्स करेंगे अच्छे से, फिर देखते हैं जो कलर आता है चाय का, वो काफ़ी बढ़िया कलर आएगा। तो देखिए जो चाय हमारा देखिए कितना अलग दिख रहा है, ये जो चाय है जिसका जो कलर, ये बहुत ही यूनिक कलर है, जो स्टैंडर्ड कलर होता है वही कलर है। और इस ये जो चाय है ये आपका स्ट्रांग होगा, काफ़ी बढ़िया आएगा पीने में भी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा बना है, और आने वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे टी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप टी का सिप जो लिया जाता है वो कैसे कर सकते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ जुड़ जाना हमारे फैमिली मेम्बर के साथ, और यूट्यूब पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप देखो यार चाय का जो कलर है ये सबसे अलग है, गोल्डनपन जो चाहिए चाय में आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये चाय काफ़ी कड़क होता है, काफ़ी टेस्टी होता है, और चाय का जो स्टैंडर्ड होता है वो। फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया यार इतना सारा प्यार देने के लिए। कई बार कई लोगों ने कमेंट किया था कमेंट सेक्शन में कि उनको ब्लेंडिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, तो बस एक छोटा सा इंट्रो है बस, इसके डी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है हमारा, वो वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुँच जाएगी। और कई फ्रेंड्स हमारे, इतने सारे फ्रेंड्स हैं कई लोग जो कि कमेंट्स करते हैं कि उनको खुद का बिजनेस सेटअप करना है, बट उनको आइडिया नहीं कि वो कैसे करें। तो हमारा खुद का पैकेजिंग यूनिट है, हम लोग आप तक प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं पैकेटिंग करके, जार हो पैकेटिंग हो, 10 रुपये वाले, 5 रुपये वाले, जितने भी पैकेटिंग होते हैं मतलब जितने भी तरह के पैकेटिंग, सभी तरह के पैकेटिंग करके हम आप तक पहुँचा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पैकेजिंग यूनिट है, ये अलग अलग ब्रांड्स के हम पैकेटिंग करके उन तक पहुँचा देते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, अगर आपको करना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्क्रीन में शो कर रहा होगा आपको वाटरमार्क, और ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये सारी हमारी पैकिंग यूनिट है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टाटा सायोनारा।